वेलकम गाइज टू द चैनल बाय कंसर्ट विद मी। होप है गाइज आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज हम फॉरेंसिक मेडिसिन का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, लीगल प्रोसीड्योर। गाइज इसको दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहला पार्ट ये आज वाला और नेक्स्ट वीडियो सेकेंड पार्ट का होगा। पहले हम डिस्कस करेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन का बेसिक, कि फॉरेंसिक मेडिसिन एक्चुअली होता क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे गाइज यहाँ पर कि लॉज, इंडिया के अंदर जो कानून व्यवस्था है वो क्या होती है। जैसे लॉज हो गया, IPC एक्ट हो गया, CRPF एक्ट हो गया, IEA एक्ट हो गया, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर देन गाइज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कोर्ट्स के बारे में, कोर्ट्स मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर गाइज डिस्कस करेंगे हम इंक्वेस्ट के बारे में, इंक्वायरी करते हैं ना वो। देन हम डिस्कस करेंगे विटनेसेस के बारे में, सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, बिना स्किप किए वीडियो का आनंद उठाइए। क्लियर गाइज, पहले हम बात करते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन क्या होती है। फॉरेंसिक मेडिसिन गाइज जो आप मेडिसिन पढ़ते हो उसका जो एप्लीकेशन है वो लोग के अंदर, मतलब कोई मर्डर हो गया, कोई आपका क्राइम हो गया, तो उसको इन्वेस्टिगेशन में आप जो मेडिसिन का एप्लीकेशन यूज़ करते हो उसी साइंस को हम क्या कहते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन कहते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ द मेडिसिन नॉलेज द लॉ ऑफ पर्पसेस। ठीक है, तो फॉरेंसिक मेडिसिन को अनदर नेम हम लीगल मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं। लीगल मेडिसिन वर्ड एक साइंटिस्ट ने दिया गाइज, साइंटिस्ट का नाम है पॉल जेकेस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु गिव द नेम फॉरेंसिक मेडिसिन। नेक्स्ट गाइज हम लॉज की बात करें, इंडिया के अंदर बहुत सारे कानून व्यवस्था है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला लॉ आता है IPC एक्ट। ठीक है, IPC की फुल फॉर्म होती है गाइज इंडियन पिनल कोड। ये गाइज 1816 में ये लॉ अप्लाइड हुआ। ये इस लॉ के अंदर आता है क्राइम एंड पनिशमेंट, कोई भी क्राइम हुआ ये इसके अंदर आता है। इस लॉ के अंदर पनिशमेंट जो मिलता है वो इस लॉ के तहत ही मिलेगा। ठीक है, कोई भी जैसे रेप कर दिया, कोई भी मर्डर कर दिया, कोई भी और अदर क्राइम्स कर दिए, तो उनका पनिशमेंट है वो किसके अंदर आएगा, IPC एक्ट के तहत मिलता है। क्लियर गाइस। सेकंड आता है गाइस CRPC, इसका फॉर्म है क्राइम क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड। ठीक है, ये 1973 में अप्लाइड हुआ। और इसमें क्या आता है गाइस, जैसे कोई भी क्राइम हो गया और कोई भी पनिशमेंट, क्राइम से क्या मिलता है, पनिशमेंट। क्राइम और पनिशमेंट के बीच में जो ड्यूरेशन है उससे वो कौन से लॉ के अंदर आएगा, CRPC के अंदर। क्लियर है, पनिशमेंट किसके अंदर आएगा, IPC के अंदर। पनिशमेंट आईपीसी के अंदर आएगा और CRPC के अंदर जो इंटरवल है इन दोनों के बीच में, क्राइम और पनिशमेंट के बीच में जो इंटरवल है वो किसके अंदर आएगा, CRPC के अंदर। तो इस प्रोसीड्यूर क्या क्या होते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्या प्रोसीड्यूर होते हैं। क्लियर गाइज, सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर प्रोसीड्यूर की बात करते हैं गाइज, क्या क्या प्रोसीड्यूर है। पहला हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कोई भी क्राइम होता है तो, फिर इन्वेस्टिगेशन बाद में अरेस्ट होता है, फिर आता है कोर्ट कचहरी चलती है, फिर जो जजमेंट होता है कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो ये जो प्रोसीड्यूर है बीच के अंदर, जो पनिशमेंट के पहले और क्राइम के बाद में जो प्रोसीड्यूर है ये आता है इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, कोर्ट प्रोसीडिंग एंड जजमेंट बाय द कोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ किससे आएंगी, किसके अंदर आएंगी, CRPF के अंदर आएंगी। क्लियर गाइज ये सारी चीज़ें। फिर आता है गाइज IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में गाइज क्या होता है, कोई भी एविडेंस हो गया, ठीक है, कोई भी एविडेंस हो गया, विटनेस हो गया, उसके आधार पर केस की फाइंडिंग करना, केस की गुत्थी को सुलझाना, वो किसके अंदर आएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आएगा। किसकी हेल्प से, विटनेस एंड एविडेंस की हेल्प से। ठीक है, कोर्ट क्या करता है, उसको कंक्लूजन पे आता है कि डेथ मर्डर कैसे हुआ। क्लियर गाइज ये सारी चीज़, ये 1872 के अंदर अप्लाइड हुआ था। सारी चीज़ें क्लियर, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया गाइज, होप आप सबको समझ में आया होगा। फिर गाइज हम कोर्ट्स की बात करते हैं, कोर्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट, जैसे सेंटर जो कोर्ट होता है, जैसे दिल्ली में जो कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है। सेकेंड आता है गाइज हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कोई भी स्टेट का कोर्ट हो गया उसे क्या बोलेंगे, हाई कोर्ट। जैसे राजस्थान का कोर्ट, बिहार का सबसे बड़ा कोर्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट। क्लियर, देन आता है सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट गाइज क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होगा उसे क्या कहेंगे, सेशन कोर्ट। एडिशनल सेशन कोर्ट, एक कोर्ट आता है एडिशनल सेशन कोर्ट। क्लियर गाइज ये सारी चीज़ें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सेंटर का हो गया, हाई कोर्ट स्टेट का हो गया, और आपका सेशन कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट का हो गया। क्लियर गाइज यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर। फिर आता गाइज एक कोर्ट आता है असिस्टेंट सेशन कोर्ट। फिर एक और कोर्ट आता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। फिर एक और कोर्ट आता है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। फिर एक और आता है गाइज सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट।
क्लियर, ये सारे नाम आपको याद रखने वाइवा वज्रा में पूछे जाते हैं, क्लियर का ये सारी चीज़ें। बस एक चीज़ हम बता दें आपको, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, क्लियर, इनके अंदर जो मैक्सिमम जो लिमिटेशन है, जो मैक्सिमम मैक्सिमम जो सजा है वो है डेथ। मैक्सिमम जो सजा होती है वो डेथ होती है, और जो जुर्माना लगाते हैं वो क्या होता है, अनलिमिटेड अनलिमिटेड जुर्माना। डेथ सजा मैक्सिमम क्या है, डेथ, इन चार के अंदर, ठीक है, सजा क्या है, डेथ, और जो जुर्माना है वो क्या है, अनलिमिटेड, ठीक है। असिस्टेंट सेशन कोर्ट जो होता है, असिस्टेंट जो सेशन कोर्ट होता है उसके अंदर जो मैक्सिमम इम्प्रिजमेंट है वो मैक्सिमम जो है 10 साल की है। इनके अंदर जो नीचे वाले हैं इनके अंदर क्या होता है, डेथ नहीं मिलती, ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, 10 साल के इम्प्रिजमेंट मिलेगा, इसके अंदर असिस्टेंट जेल मिलेगी, ठीक। जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट होता है उसके अंदर मैक्सिमम 7 साल की जेल आपको मिल सकती है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है ना उसमें 3 साल की जेल मिलेगी, एंड सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट वो 1 साल की जेल दे सकता है। मतलब इनकी जो ये क्या है, इनकी क्या एबिलिटी है कि असिस्टेंट मजिस्ट्रेट असिस्टेंट सेशन कोर्ट है वो 10 साल की सजा ही दे सकता है, उसे ज़्यादा नहीं दे सकता। और जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, ये यहाँ पर कितनी भी सजा दे सकते हैं। क्लियर गाइस, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट क्लास ये 3 साल की सजा ही है। अब गाइस ये दो कोर्ट है ना ऊपर वाले, कौन से वाले, ये असिस्टेंट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, असिस्टेंट एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, ये जुर्माना जो होता है ना, जो हिंदी में लिख देता हूँ अच्छे से समझ में आया, जुर्माना जो होता है ये मैक्सिमम अनलिमिटेड लगा सकते हैं, अनलिमिटेड। ये भी इनकी तरह ऊपर वाले कोर्ट्स की तरह, ये नीचे वाले दो कोर्ट हैं ये जुर्माना अनलिमिटेड लगा सकते हैं, लेकिन ये इम्प्रिजमेंट, ये डेथ नहीं देंगे नीचे वाले दो, ठीक है। भाई नीचे वाले दो बच गए आपके, दिस वन, ये बच गए भाई, ये नीचे दो वाले रेड रेड ये है ना, ये फर्स्ट वाला जो है ये 10,000 का जुर्माना लगा सकता है, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 10,000 का, और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 5,000 का जुर्माना लगा सकता है, 50,000 नहीं, 5,000 का जुर्माना लगा सकता है, क्लियर गाइस। अब गाइस क्या होता है, क्या होता है, देखो सेशन कोर्ट ने मान लो डेथ दे दी, सेशन कोर्ट है ये ऊपर वाला है सेशन कोर्ट को, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो, ये क्या कर सकते, ये तीनों चारों क्या कर सकते हैं, डेथ दे सकते हैं, ऊपर वाले डेथ दे सकते हैं ना, मतलब मैक्सिमम जो सजा है वो डेथ के साथ, सेशन कोर्ट ने डेथ दे दी, लेकिन माना नहीं जाएगा, वो कन्फर्म्ड होएगी किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा वो कन्फर्म होएगी पहले, सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब जो हाई कोर्ट के अंदर आपको डेथ मिल गई तो आप अपील कर सकते हो गाइस, हाई कोर्ट के अंदर डेथ मिल गई तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को आप अपील कर सकते हो कि मेरी डेथ यहाँ पर रोको, ठीक है, अपील कर सकते हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं डेथ होएगी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई डेथ होएगी, लेकिन एक इंसान है जो इस डेथ को भी रोक सकता है, उस इंसान का नाम है प्रेसिडेंट। क्या नाम है गाइस, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट चाहे तो यहाँ पर डेथ रोक सकता है, ठीक है गाइस, इसलिए हम प्रेसिडेंट को बोलते हैं मैजिस्टी, मैजिस्टी, क्लियर गाइस यहाँ तक सारी चीजें। तो गाइस डेथ को कौन कंट्रोल कर सकता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड मैजिस्ट्री, ये सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर गाइस यहाँ तक सारी चीज़ें, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया हुआ गाइस, होप आपको समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे, जो सुप्रीम कोर्ट है ये हाई लेवल के कोर्ट हैं, ये जो नीचे वाले हैं ना ये मतलब छोटे लेवल के कोर्ट होते हैं, छोटे लेवल के कोर्ट होते हैं, क्लियर गाइस यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब गाइस हम बात करते हैं इंक्वेस्ट की, इंक्वेस्ट मतलब इंक्वायरी करना, कोई भी डेथ हो गई तो अननेचुरल डेथ हो गई तो उसके अंदर जो इंक्वेस्ट है या इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है कि भाई डेथ कैसे हुई, क्या कारण था डेथ का, उन सभी की जो इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, उसे क्या कहते हैं, हम इंक्वेस्ट कहते हैं, क्लियर गाइस यहाँ तक चीज़ें। डेथ कैसे होनी चाहिए, अननेचुरल डेथ होनी चाहिए। तो गाइस क्या क्या काजेज हो सकते हैं अननेचुरल डेथ के, कौन कौन से केसेज में हम इन्क्वेस्ट कहते हैं डेथ के, कौन कौन से केसेज में, सडन डेथ हो जाए तब जो इंक्वायरी होगी उसे कहते हैं इंक्वेस्ट, एक्सीडेंट हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, ये भी नेचुरल अननेचुरल डेथ में आते हैं, सुसाइड कर ले ये भी अननेचुरल डेथ में आता है, आपका डेथ हो जाए अंडर एनेस्थीसिया, ठीक है, डेथ ऑन ऑपरेशन टेबल पे डेथ हो जाए अंडर 24 आवर ऑफ, आपको हॉस्पिटल में ले जाए हुए 24 घंटे ही नहीं हुए इतने में आपकी ऑपरेशन टेबल में डेथ हो जाए, ये भी किस में आता है, अननेचुरल डेथ में आता है, क्लियर गाइज। पुलिस कस्टडी के अंदर जो डेथ हो जाए वो भी अननेचुरल डेथ में आता है, डोरी की डेथ वो भी क्या किस में आता है, अननेचुरल डेथ में आता है। तो
ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हैं कि किसके अंदर आएगी, अननेचुरल डेथ के अंदर आएगी। क्लियर गाइस, सारी चीजें क्लियर। फिर हम गाइस बात करते हैं, अब गाइस हम बात करते हैं इंक्वेस्ट के टाइप्स। तो गाइस इंक्वेस्ट दो टाइप की होती है, एक होता है पुलिस इंक्वेस्ट, एक होता है मेडिकल इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट सॉरी। पुलिस इंक्वेस्ट में क्या होता है गाइस, पुलिस इंक्वेस्ट 174 सीआरपीसी के तहत अंदर आती है, ठीक है। चार रूल्स होते हैं गाइस पुलिस इंक्वेस्ट के, ठीक है। चार रूल्स कौन कौन से होते हैं वो हमें डिस्कस करेंगे। पहले, सबसे पहले जो भी अननेचुरल डेथ हुई वहाँ पर क्या जाएगी, पुलिस जाएगी। सबसे पहले क्या जाएगी, पुलिस जाएगी, पुलिस वहाँ गई। अब पुलिस का कौन सा ऑफिसर जाएगा वो हम डिस्कस करने वाले। पुलिस का जो सब कॉन्स्टेबल जो होता है, सब कॉन्स्टेबल वो मिनिमम सब कॉन्स्टेबल तो होना चाहिए, मिनिमम डिग्री क्या होनी चाहिए सब कॉन्स्टेबल। लेकिन जो यूजुअली कौन जाते हैं, यूजुअली सब इंस्पेक्टर ही जाता है। क्लियर गाइस, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सब कॉन्स्टेबल की, और जो यूजुअली जाते हैं वो सब इंस्पेक्टर का जाते हैं। क्लियर, अब भाई कोई क्राइम हो गया यहाँ पर सब इंस्पेक्टर चला गया। चार रूल्स होते हैं गाइस, चार रूल्स क्या होते हैं कि सबसे पहले जो डेथ हुई उसकी पहले पुलिस क्या करती है, आइडेंटिफिकेशन करती है। सेकंड गाइस क्या करेगी, पहले आइडेंटिफिकेशन करेगी, सेकंड गाइस करेगी कि टाइम, कितने टाइम पर ये डेथ हुई। थर्ड गाइस क्या पता चलेगा, क्या फाइंड करने की कोशिश करेगी, वेयर कहाँ पर, ठीक है। फोर्थ हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे गाइस काज ऑफ डेथ, कि डेथ का क्या कारण था, ठीक है। तो गाइस इन सब से एक रिपोर्ट बनेगी, इन सब चीज़ों से पुलिस एक रिपोर्ट बनाती है, उस रिपोर्ट को कहते हैं हम इंक्वेस्ट रिपोर्ट, वो आगे भेजती जाती। क्लियर गाइस सारी चीज़ें यहाँ तक। फिर गाइस क्या होएगा, जो भी डेड बॉडी है पुलिस उसको क्या कर देती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। सिर्फ और सिर्फ अननेचुरल डेथ्स में होता है, जो नेचुरल डेथ होती है उनके अंदर पोस्टमार्टम नहीं होता। क्लियर गाइस, अब ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम हो गया। अब जैसे इस पोस्टमार्टम, और एक और वर्ड है गाइस पोस्टमार्टम, मेडिको लीगल ऑटोप्सी। इस पोस्टमार्टम को हम क्या कह सकते हैं, मेडिको लीगल ऑटोप्सी। अब गाइस जो पोस्टमार्टम होके हुई बॉडी आई, पोस्टमार्टम हो गया, फिर वापस जो बॉडी आएगी वो बॉडी डायरेक्ट हम रिलेटिव को नहीं देते। हम जो बॉडी देंगे पोस्टमार्टम के बाद वो डायरेक्ट किसको देंगे, पुलिस को देंगे। देन पुलिस रिलेटिव्स को दे सकती है, ठीक है। डायरेक्ट रिलेटिव्स को बॉडी नहीं देते, पहले जो पोस्टमार्टम में बॉडी किसको देंगे, पुलिस को देते हैं। क्लियर गाइस, ये पुलिस इंक्वेस्ट का था पूरा, पुलिस इंक्वेस्ट। अब फिर पुलिस इंक्वेस्ट गाइस क्या करती है, एक रिपोर्ट बनती है, उस रिपोर्ट को कहते हैं पंचनामा। यहाँ पर एक रिपोर्ट बनती है इस इंक्वेस्ट के आधार पर, उसे बोले पंचनामा, हिंदी टर्म है गाइस। क्लियर गाइस सारी चीजें। गाइस हम बात करते हैं मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होता है, ये ग्रीन से हम डिस्कस करेंगे, ग्रीन कलर से सॉरी। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट क्या होता है गाइस, जैसे आपको पुलिस कस्टडी है, कोई भी आपकी पुलिस कस्टडी है, पुलिस कस्टडी के अंदर कोई इसकी डेथ हो गई। क्लियर गाइस, पुलिस फायरिंग के अंदर, जो पुलिस फायरिंग करती है उसके अंदर किसकी डेथ हो गई, तो वो किसके अंदर आएंगे, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर आएंगे। और पुलिस इंटेरोगेशन में गाइस क्या होता है, पुलिस इंटेरोगेशन में किसकी डेथ हो गई, तो वो भी किसके अंदर आएगी, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर। आपका पुलिस कस्टडी में कोई भी लेडी है, उसकी अगर रेप हो गया उसके साथ, तो ये भी किसके अंदर आएगी, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर आएगी। एक गाइस एक टर्म होता है एग्जुमेशन। क्या होता है, आपको कोई भी बॉडी है उसको डिग कर दिए, पहले क्या करती है, उसको मिट्टी के अंदर डाल दी, फिर किसी बंदे ने डिग आउट कर लिया उसको, उससे हम क्या बोलेंगे, एग्जुमेशन। क्लियर गाइस, कोई भी बॉडी को जमीन के अंदर से निकालना, उसे क्या कहना है, एग्जुमेशन। तो ये सारे किसके अंदर आएंगे, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर आएंगे। क्लियर गाइस, एक और वर्ड आता है यहाँ पे, डेथ इन मेंटल असैलम। जो डेथ होएगी, एक वर्ड है डेथ इन मेंटल असैलम, मेंटल असैलम के केस में जो डेथ होती है वो भी किसके अंदर आती है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर। क्लियर गाइस, क्लियर। एक गाइस एक और टर्म आता है डोरी डेथ। जो डोरी डेथ है, डोरी मतलब भ्रूण, अरे वो दहेज वाली होती है ना, जो डेथ दहेज नहीं देते तो
प्रताड़ना करते हैं उसके ससुर, मतलब वो ससुराल वाले, वो ऐसा कुछ कहा जाता है गाइस। तो डोरी डेथ में मजिस्ट्रेट में आ जाएगी, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें ग्रीन से मैंने जो बताया वो क्या है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, जो रेड ब्लैक ये सारे बताए वो पुलिस इंक्वेस्ट हो गई। क्लियर गाइस, सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है गाइस ये। अब गाइस एक और चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं, डेथ जो होती है ना गाइस, जो डेथ होती है पुलिस कस्टडी के अंदर जो डेथ हुई और फायरिंग के अंदर डेथ हुई, इंटरोगेशन के अंदर जो डेथ हुई, वो सब को गाइस उस सब की जो इंक्वेस्ट कौन लेता है, एक मजिस्ट्रेट लेगा, उस मजिस्ट्रेट का क्या नाम है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इन सब की इंक्वेस्ट लेगा। पुलिस के अंदर कस्टडी के अंदर डेथ होगी, फायरिंग के अंदर या इंटरोगेशन के अंदर, ठीक है। और डेथ होगी गाइस मेंटल असाइलम, जो उन्होंने पीछे बताया, ये सारे किसके टाइप्स बता रहा हूँ मैं, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं आगे भी। तो डेथ इन मेंटल असाइलम, डोरी डेथ और एग्जुमेशन में जो डेथ हुई उसका जो इंक्वेस्ट लेगा वो लेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में आता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम, डीएम, तहसीलदार, ये सब क्या लेंगे, इसकी इंक्वेस्ट लेंगे। क्लियर गाइस। एक और इंक्वेस्ट होती है कोरोनर इंक्वेस्ट। कोरोनर इंक्वेस्ट गाइस पहले जमाने में होती थी, मतलब थोड़ा टाइम पहले, कोरोनर इसके अंदर कोरोनर होता था, जो होता था एडवोकेट या फिर मजिस्ट्रेट होता था, लेकिन उसको एक कंडीशन थी यहाँ पर 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसको गाइस एडवोकेट जो था इसको कौन लगाता था, मतलब एक स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर इसको अपॉइंट करती थी, और ये किस कौन से अननेचुरल जो डेथ होती थी इनका, इनको यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने का काम करता था। क्लियर गाइस, जो अननेचुरल डेथ है, अननेचुरल जो डेथ होती है इनको यहाँ पर करने का एक काम करता था। क्लियर गाइस। तो गाइज ये हमने पूरा कर लिया यहाँ पर पहला जो पार्ट था, जो नेक्स्ट पार्ट है गाइज वो अगले वीडियो में आएगा। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और जो रिमेनिंग पोर्शन है इस लीगल प्रोसीड्यूर का वो नेक्स्ट वीडियोस में आएगा। तो गाइज थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।